गर्मी लग रही है हाथ मुझे, मैं गर्मी लग रही है इसी सवाल कोई मामा जी। अब्दुलरहमान क्या हुआ बेटा? मम्मा बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज मम्मा एसी ऑन कर दे। एसी ऑन कर दूं? बेटा एसी तो ऑन है, मैं अभी करके आई थी। मम्मा बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी तो हुई भी है वैसे, मैं देखती हूँ बेटा, ठहरो रुको अब्दुलरहमान मैं देखती हूँ क्या हुआ एसी को, अभी तो चलाया था मैंने। क्या हो गया? अरे एसी तो ऑन है अब्दुलरहमान, लेकिन घर कूलिंग क्यों नहीं कर रहा? ओ ओ मामा एसी तो खराब नहीं हो गया? हाँ लगता है कुछ मेंटेनेंस होने वाली है एसी की। कोई बात नहीं मैं फोन करके कहती हूँ, अभी अंकल आ जाएंगे सही करने। अगर एसी खराब हो गया तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगी। ओके मामा। हेलो आप एसी टेक्नीशियन को भेज सकते हैं अभी? हाँ हमारे घर का एसी काम नहीं कर रहा। चलें ठीक है प्लीज जल्दी। हाँ थैंक यू। एसी को भी अभी खराब होना है। अब्दुलरहमान मैंने कॉल कर दिया अंकल को, अभी अंकल आके एसी ठीक कर देंगे फिर हमारा घर ठंडा हो जाएगा। गंदे बच्चे। बाबा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बस बेटा एक 10-15 मिनट का काम है वो करके तो फिर हम चलते हैं। आज मैंने सोचा अकेले आपको कहाँ छोड़ूंगा, एक ही मरतबा काम खत्म करके फिर घर चलते हैं। ठीक है। ये घर है मरतबा, बेटी मेरी बात सुनो। जी बाबा। ऐसा करो मेरी बेटी आप इधर बैठ जाओ। बाबा इधर क्यों? मैं आपके साथ अंदर नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी मैं आपको अंदर नहीं लेके जा सकता अपने साथ। वो क्यों बाबा, मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकती अंदर? मेरी बच्ची इस तरह के घरों में बड़े बड़े लोग रहते हैं, हम लोग नहीं जानते उन लोगों को, क्या पता उनको अच्छा ना लगे। मैं आपको अंदर लेके आया हूँ अपने साथ। बेटा मैं काम से आया हूँ ना, इसलिए मुझे वो अंदर आने देंगे, लेकिन उनको मेरे बच्चे नहीं पता मैं किस मजबूरी से आपको अपने साथ लेके आया हूँ। ये तो बच्चे सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे आपको अपने साथ लाना पड़ा। आपका मतलब बड़े लोग हमारी बात नहीं सुन सकते? बस बेटा यही समझ लो, बड़े लोग हम जैसे लोगों की बातें नहीं समझ सकते, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बस बाहर वेट करो, मैं बस 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है बाबा मैं आपका बाहर वेट करती हूँ। मेरी बेटी मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, जल्दी काम खत्म करके आऊंगा। लेकिन बाबा जल्दी आ जाना, मुझे अकेले डर लगेगा। नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं बेटा, आप इधर बैठो, अगर कुछ भी हुआ आप मुझे आवाज देना मैं आ जाऊंगा, इधर ही हूँ मैं, पास ही हूँ आपके। चलो आप बैठो आप इधर। लगता अंकल आ गए, आप इधर बैठो मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। ओके अब बस जल्दी से आ जा बाबा, मैं वेट कर रही हूँ। और जब तक वो ठीक नहीं करेगा मैं बैठ जाऊँ? अब्दुलरहमान बाहर भी तो गर्मी लगेगी आपको, अभी तो आप कह रहे थे बहुत गर्मी लग रही है, अब अंकल आ गए हैं थोड़ी देर वेट कर लो फिर चले जाना ठीक है? मामा मैं बोर हो रहा हूँ प्लीज मैं चले जाऊँ। मामा खेल कर आ जाता हूँ मैं प्लीज। अच्छा ठीक है फिर जाओ आप बाहर जाके खेलो और दरवाजा खुला रहने देना। ओके ओके थैंक यू मामा। ये ध्यान से खेलना ओके। चलो मैं जाकर बाहर खेलता हूँ। ये कौन है? मैं जाकर इनसे पूछता हूँ।
आपको ना, अब यहाँ पे न्यू आई हो? मैं यहाँ पे नहीं रहती। आप कहाँ रहती हो? मेरा घर बहुत दूर है यहाँ पे, मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ। आपके बाबा कहाँ पे है? मेरे बाबा आपके घर के हैं, वो कुछ काम करके जल्दी आ जाएंगे। तो आप अंदर क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे बाबा कह रहे थे कि आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। उपसीज क्या? मैं मम्मा से पूछ कर आता हूँ। मामा एक मैं आपसे भी एक बात बताऊं? जी बेटा बताओ, क्या बात है? मामा दो एक अंकल आया ना काम करने। जी बेटा। उनके एक बेटी भी आई है। अच्छा, वो कहाँ है? मामा वो बाहर बैठी हुई है। क्या, बाहर क्यों बैठी हुई है? बस वैसी, उसने कहा कि बड़े घर पे नहीं जाते। क्या ऐसा होता है मामा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है अल्लाह ताला ने हम सबको एक जैसा बनाया है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सब इंसान एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं सब। रेली मामा? रेली बेटा। मामा उसके अंदर एक राजू मैं खेलूंगा। जी बेटा जाओ, जाके ले आओ उसके अंदर। थैंक यू मामा। जाओ। बात सुनो। क्या हुआ? अब मेरे साथ खराब हुई, लेकिन बाबा ने कहा था, मेरी मम्मा ने कहा था कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, हम सब इक्वल है, अल्लाह ताला ने हमें एक जैसा बनाया है। जो आप मेरे घर आओ, मैं आपको टॉयज खाते हुए अपने। ठीक है। आपका नाम क्या है? मरवा। मेरा नाम है अदर वर्मा। Hi friends, this is Sahresh and this is Lukman from Dubai. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज़। बाय।